मध्य प्रदेश में 26 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है, जिसके चलते जहां पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने एक बार फिर सत्ता में वापसी का दावा किया है, वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस में कॉन्फिडेंस नहीं, केवल जाहिर कर रहे हैं ताकि बाकी और लोग न निकल जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार रात यहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक कर प्रदेश की 26 विधानसभा सीटों पर होने वाले आगामी उपचुनाव में जनहितेशी मुद्दों को उठाकर सत्तारूढ़ भाजपा को घेरने की रणनीति बनाई। बैठक में सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ सड़क आंदोलन करने के साथ ही विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर मैदान संभालने की बात कही गई। बैठक के बाद प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और अराजकता फैल रही है। उपचुनाव के बाद राजभवन में कांग्रेस ही शपथ लेगी। कॉन्फिडेंस है ही नहीं, ये सिर्फ जाहिर कर रहे हैं जिससे बाकी के और नहीं भग जाएं। ये जो राजभवन की शपथ का कहना है, ये सिर्फ इसलिए कि भगदड़ रुक जाए और विधायक भ्रम में आ जाए। कमलनाथ जी को ये नहीं मालूम कि वो आपके साथ 1.5 साल रहे हैं, वो भ्रम में नहीं आने वाले अब किसी, वो जान गए आपकी क्षमताओं को और आपके मैनेजमेंट को। एनसीपी प्रमुख जो शरद पवार हैं, 26 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होना है, आपको लगता है आने वाले समय में और भी? अब देश काल परिस्थिति और भविष्य पर क्या कह सकते हैं, कल संभावनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। अगली बैठक राजभवन में शपथ लेने के बाद कही गई है कि अब राजभवन में शपथ लेंगे। जब राजभवन में शपथ ली थी तब सरकार नहीं बचा पाए, अब कहाँ से ले लेंगे? पहले राजभवन में ही तो ली थी ना शपथ, किसने रोका था कि अपनी पार्टी को न संभालो? अब न संभाल पाए तो फिर दूसरों पर दोष क्यों दे रहे हो? बोर्ड ऑफिस पे जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से इस तरह के लोगों के लिए दिग्विजय सिंह जाते रहेंगे, जाते रहे हैं। गब्बू पादरी के लिए दिग्विजय सिंह नहीं जाएंगे तो कौन जाएंगे? और उनका ये जाना इस बात का द्योतक है कि जिस पर 40 से अधिक मामले दर्ज हों। देखिए, कांग्रेस सदैव से दलितों के नाम पर राजनीति करती रही, भला कभी नहीं किया उन्होंने। अगर भला करते होते तो एक हाथ 15 महीने की नजीर दे देते। सागर में दलित को जिंदा जला दिया। एक बयान या एक ट्वीट आपको दिग्विजय सिंह का मिला हो तो बताओ। धार की घटना पे ऐसा हुआ हो, कल माननीय कमलनाथ जी ने ट्वीट कर दिया कि वो वाल्मीकि को मार डाला है, जबकि वो मरा था ही नहीं। वो एक मोटरसाइकिल चोरी में बंद था, जमानत पे घर चला गया। इतनी जल्दी, इतनी वो है कि कैसे भी ट्वीट के माध्यम से राजनीति करें, ये अच्छी प्रक्रिया और परंपरा नहीं है। भावनाओं से खेलना गरीबों की, ये अच्छी प्रक्रिया नहीं है। और माफियाओं को संरक्षण देना, अपराधियों को संरक्षण देना, ये अच्छा नहीं है। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के बयान का पलटवार करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस में कॉन्फिडेंस नहीं, केवल जाहिर कर रहे हैं ताकि बाकी और लोग न निकल जाए। दिग्विजय सिंह हमेशा असामाजिक तत्वों की आवाज उठाते रहे हैं। कांग्रेस हमेशा दलितों के नाम पर राजनीति करती आई है, भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। मैंने जैसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, उनके नेताओं का वैसा व्यवहार सब मध्य प्रदेश को लज्जित करता है, उसमें से है अरविंद भदौरिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, विधायकों पर जिस तरीके के अलग अलग तरीके से प्रशासनिक दबाव बनाने की ये सरकार कोशिश करती है, उसका भी विधायकों ने जिक्र किया। कुल मिलाकर कोरोना के इस महामारी में, इस सरकार के फेलियर के बाद विधायकों की ये मंशा हुई कि सरकार के खिलाफ ताकत से सड़क पे आना चाहिए। और मंत्रियों की भाषा अभद्रता, मुख्यमंत्री की झूठ बोलने की शैली और सरकार पूरे प्रदेश को गुमराह करने का एक कार्यशैली बनती जा रही है। कमलनाथ जी ने कहा अगली मीटिंग जो होगी 24 चुनाव के बाद, 26 चुनाव के बाद, अब राजभवन की शपथ के साथ होगी। चिंता मत करो, सब भिड़ो, एकजुट टीम वर्क लगो, ये सरकार जाने वाली है,
शिवराज सिंह जाने वाले और कमलनाथ फिर से आने वाले। बहरहाल विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर जुबानी जंग देखी जा रही है, जिसमें जहां कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में वापसी का सपना देख रही है, वहीं भाजपा अब कांग्रेस को कोई मौका देना नहीं चाहती है। फिलहाल सियासत के इस संग्राम में किसको जीत मिलेगी और कौन मतदाताओं के गुस्से का शिकार होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। भोपाल से शुभम मिश्रा की रिपोर्ट।